हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं दो विजातीय आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वही देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव ये होता है दो आवेशों और उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। अब आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये तो दो आवेश और उनकी दूरी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं, ये दूर आवेश और उसके दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं, मीन्स आवेश Q और ये जो दूरी अल्प दूरी है उसके गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो ये दो स्थिति में होते हैं, एक अक्षीय एक निरक्षीय। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी 2020 में निरक्षीय स्थिति के बारे में आया था, जो कि 5 नंबर का हमेशा आता है, दोनों में से एक आना ही है श्योर। तो अक्षीय स्थिति में देखते हैं पहले। तो अक्षीय स्थिति में बिंदु ए और बी है ना, और इन दोनों का जो दूरी है 2a है। 2a यहाँ से ओ से ओरिजिन से बी तक की दूरी ए है और ओरिजिन से ए तक की दूरी ए है, मीन्स दोनों मिलाकर क्या हो गया 2a हो गया, ठीक है। और बिंदु ओ से बिंदु पी पर r दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पे हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, एक प्लस क्यू के कारण E1 और माइनस क्यू के कारण E2। अब यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अलग अलग क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण से कि जो प्लस है वो बाहर की ओर निकलते हैं, तो ये E1 जो है बाहर की ओर, और अगर माइनस धनावेश विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो उसके अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, तो ये E2 जो है अंदर की ओर आ जाएगा, मीन्स ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मीन्स ए पर स्थित प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र होता, तो क्या होगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर। अब देखो बिंदु ए यहाँ से है, यहाँ बिंदु पी है, तो ए से पी मीन्स ए पी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ए पी क्या होता है, ए पी का हम लोग को निकालना पड़ेगा। ए पी मीन्स क्या होगा, ओ पी, ये ओ से पी माइनस क्या हो जाएगा ओ ए। अगर ये पूरा निकालना है तो ये माइनस ये करूँगा तो ये पूरा निकलेगा, ठीक है। तो ओ पी, ओ से पी माइनस ओ ए, ठीक है। तो ओ देखिए ओ पी क्या है, ओ पी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, ठीक है। और ओ ए मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ पी की जगह आर और ओ ए की जगह क्या हो जाएगा ए, तो आर माइनस ए। अब यहाँ पे हम लोग ए पी की जगह में आर माइनस ए रख देते, तो 1/4πε0 के जब कहाँ पे क्या है, नियतांक क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक है। बिंदु बी पर तो 1/4πε0 क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर। अब देखो बी पी क्या होगा, बी पी निकाले हम लोग को बी पी, ठीक है। तो बी पी अब यहाँ से ओरिजिन से हम लोग को हमेशा लेना है, मीन्स बी पी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ए है। तो ओ पी प्लस पी बी इक्वल टू आर प्लस ए, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ए है, तो आर प्लस ए हो जाएगा। अब ई टू की जगह क्या रख देंगे हम लोग, बी पी का मान यहाँ पे रखेंगे, आर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र है ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि वह विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो अब देखो E1 का मान यहाँ पे रखेंगे, E2 का मान यहाँ पे रखेंगे, E1 का मान ये है, E2 का मान ये है सॉरी, ठीक है। तो E1 E2 का मान रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ तो इधर तो आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 के आ जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, 1/r-a का स्क्वायर,
और माइनस, यहाँ पे माइनस बचा है और प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स तिर्यक गुणा हो जाएगा। आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, ये इधर और दोनों को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वैसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। जहाँ पे यहाँ पे अगर ए इक्वल टू है आर, बी इक्वल टू है ए, ये सब तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर माइनस ए का स्क्वायर है, आर प्लस ए का स्क्वायर है, तो दोनों का क्या है स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर यहाँ से माइनस चिन्ह हटा देंगे तो ये जो प्लस है माइनस का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस टू आर है, प्लस टू आर है। अब देखो इसको ये क्या फार्मूला में है, ए और बी, ठीक है, मीन्स ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूला है। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बच गया, फोर आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यू अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन जीरो के हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो टू क्यू ए और टू आर, ये यहाँ इसको हम लोग तोड़ दिए हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं अभी पढ़े हैं जस्ट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी इक्वल टू टू क्यू ए। तो यहाँ पे टू क्यू ए के जगह में क्या हो जाएगा, पी का पी आ जाएगा, मीन्स पी रखा जाएगा, ठीक है, तो टू पी आर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग अगर सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड पी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ओ से पी तक की जो दूरी है वो सदिश राशि है ना, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, ठीक। अब देखो मान लो यदि विद्युत क्षेत्र ये जो है आकार बहुत छोटा है, विद्युत ध्रुव जो है इसका आकार बहुत छोटा है, ये तो हमेशा अल्प दूरी के लिए लेते हैं, तो इसका आकार भी बहुत छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो है इसकी दूरी जो है बहुत कम हो जाएगी, मीन्स ए इज लेस 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 देन आर हो जाएगा, या फिर आर इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ए हो जाएगा, ठीक है, दोनों वही बात है। अब देखो तो यहाँ पे अगर आर का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ए को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, मीन्स ए का वैल्यू अगर बहुत छोटा होगा तो ए को नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के टू पी आर अपॉन आर टू द पावर फोर। अब देखो यहाँ से एक आर, यहाँ से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के पावर थ्री हो जाएगा, ठीक है, तो ए इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के टू पी अपॉन आर क्यूब। अब देखो वायु निर्वात में के का मान क्या होता है, वन होता है, के का मान वन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के का वैल्यू अगर वन हो गया टू पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है, यही है अक्षीय स्थिति के लिए डेरिवेशन। अब आगे देखते हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में भी सेम होता है, यहाँ पे दो बिंदु ए और बी लिए गए हैं जिसमें ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है। यहाँ ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पे हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे बिंदु पी है, ठीक है, यहाँ पे एक E1 एक विद्युत क्षेत्र है, एक E2 विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और इसका जो परिणामित्र निकला है यहाँ E निकला है, ठीक है। तो कभी भी होता है तो ऐसे होता है, तो एक क्षैतिज घटक होता है और एक ऊर्ध्वाधर घटक, तो यहाँ से अगर परिणामित्र निकलता है तो जो क्षैतिज घटक होता है इसको हमेशा cos थीटा लेते हैं और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है इसको हमेशा sin थीटा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो सेम अच्छी स्थिति टाइप से बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें भी क्या हुआ था, वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर हो गया। वैसे ही बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सॉरी बिंदु बी पर
बिंदु ए पर प्लस माइनस क्यू है और बिंदु बी पर प्लस क्यू है, सॉरी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के और क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए पी का जो डिस्टेंस है, बी पी का भी वही डिस्टेंस है, ठीक है। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा। और ई वन और ई टू देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, ई वन का भी ई टू का भी, तो क्या होगा दोनों के परिमाण भी बराबर होंगे। मीन्स ये जो एंगल ए पी ओ है, ए पी और ओ ये इक्वल है और बी पी ओ भी इक्वल है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो है दो घटक में टूट जाते हैं बिंदु पी ई वन और ई टू, ठीक है। ये वाला इसके साथ वाला जो एंगल है वहाँ पे कॉस थीटा होगा और जो दूर वाला मीन्स ये ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो साइन थीटा होगा। तो ई वन के साथ ये ई वन कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे और ऊर्ध्वाधर घटक यह क्या होगा, ई वन साइन थीटा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये ई टू कॉस थीटा होगा और ये ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, ई टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर घटक है ई वन साइन थीटा और ई टू साइन थीटा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, ठीक है। और जबकि ई वन और ई टू ये जो क्षैतिज घटक है ये क्या है, साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो दोनों को जोड़ देंगे, जबकि दोनों के परिणामित्र बराबर हैं तो ई वन इक्वल टू ई टू हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई इक्वल टू क्या होगा, ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा, तो ई वन इक्वल टू ई टू है तो टू ई वन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है त्रिभुज पी ए ओ में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, काण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो ए पी ओ को ले रहे हैं, ए पी और ओ, ठीक है। इसमें काण कौन सा है, ए पी और ओ पी का वर्ग और ओ ए का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ओ पी क्या है, आर है, यहाँ से जो ये जो है आर दिया है, यहाँ का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ए है, यहाँ से यहाँ तक का ए है। तो ओ ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा, तो ये जो है स्क्वायर जो है ये यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ का स्क्वायर वहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो ओए, ओए क्या है, ओए आधार है और ओपी क्या है, एपी क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो ए एपी का मान तो यहाँ पे है, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको समीकरण एक लिए हैं, आप समीकरण एक में मान रख देंगे, तो टू वन और ई वन का मान कितना है, वन अपॉन फोर पाई का एप्सिलॉन जीरो के एपी का स्क्वायर, ठीक है। तो एपी का स्क्वायर तो यहाँ पे एपी का मान रख देंगे, ठीक है। ये देखो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के और टू क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर अंडर रूट थ्री बाई टू। अंडर रूट थ्री बाई टू कैसे हुआ, ये देखो यहाँ पे एक्स ये दोनों सेम है ना, तो इसके पावर में वन है, इसके पावर में वन बाई टू है, तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला होता है, तो एक्स टू दी पावर एम प्लस एन हो जाते हैं। तो ये दोनों ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर थ्री बाई टू हो जाएगा। ऐसे ही टाइप से यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट सॉरी थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग जानते हैं पी इक्वल टू टू क्यू ए, यहाँ पे जो टू क्यू है विद्युत ध्रुव आघूर्ण से, ये विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, तो पी इक्वल टू टू क्यू है, तो टू क्यू ए की जगह हम लोग क्या रख देंगे, पी, ठीक है। तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग अच्छी स्थिति में किए थे वैसे यहाँ पे भी होगा कि ए का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग इसको ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको सदिश के रूप में लिखना चाहें तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के पी इंटू आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है।
अगर हम लोग वायु अनिर्वात है तो के का मान हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा वन लेते हैं, तो e = 1/4 ε₀ p / r³। ये क्या है, ये निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। अब हम लोग देखते हैं अक्षीय निरक्षीय में कंपेयर देखते हैं, ठीक है। तो अक्षीय का मान क्या होता है, 1/4 ε₀ 2 p / r³, और निरक्षीय का मान होता है 1/4 ε₀ p / r³, ठीक है। अगर हम लोग अक्षीय भागित निरक्षीय करते हैं, मीन्स इसको एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, तो ई अक्षीय = 2e निरक्षीय, मीन्स अक्षीय जो है निरक्षीय से 2 गुना बड़ा होता है, ठीक है। थैंक यू।